वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, दिस इज रियो लियो और स्वागत है आपके अपने चैनल पे रियो लियो ब्लॉगिंग्स में। और हो सकता है तो सब्सक्राइब भी कर दो यार भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही है। तो दोस्तों आज मेरा प्लान फिर से है खुटानी जाने का अपने भाई के वहाँ, हाँ हनी भाई के। तो अभी हम निकलते हैं हनी के वहाँ को, तो वो कह रहा था आज घूमने चलते हैं, तो देखते हैं कहाँ ले चलता आज हमें वो। तो पहले मिलूंगा आपको मैं डांट पे और उसके बाद भवानी, भवानी के बाद सीधे खुटानी के पास, क्योंकि आज रास्ता बहुत ज़्यादा हो सके तो आपको भी मज़ा आएगा, इंटरेस्टेड हो सकता है। और देखना मेरी वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यार दोस्तों सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ रही है, तो सब्सक्राइब करना बनता है यार आप लोगों का, प्लीज़ कर दो। तो मिलते सीधे डांट पे दोस्तों। रोशिद ऑफिस से आज मैं पहुंच गया हूँ तलीताल डांट के आसपास, और यहाँ पर रोरी चेकिंग आज बहुत तगड़ी, और मेरे पास एक पेपर कम लग रहा है तो मैंने थोड़ा गाड़ी खड़ी कर ली, मेरे को पेट्रोल ही भराना था और यहाँ पेट्रोल आज है नहीं। तो मैं निकलता हूँ सीधे अब भीमताल की ओर, वो है रास्ता जहाँ से जा रहा ट्रक आर्मी वालों का। दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ पोल्यूशन बनाने दादा के वहाँ, और ये करते हैं यहाँ पर पोल्यूशन केला खान के पास, इनकी अपनी दुकान है, तो इधर आओ पोल्यूशन भी करवा लो यार डॉक्यूमेंट्स का। मैं तो दोस्तों यह है नियरेस्ट टू केला खान, तो यहाँ पर आ सकते हो और करा सकते हो अपनी बाइक एक्टिव, यहाँ पर इजीली अपनी गाड़ी ठीक कराने का पूरा पूरा घर का गैराज टाइप का, और यहाँ इजीली आपको सामान भी मिल जाएगा अंदर। दोस्तों पोल्यूशन बना दिया है दादा ने, और मेरी गाड़ी में पाइप डाला इन्होंने अभी, और गाड़ी बाहर से ही खड़ी है और केला खान के पास ही है, और इनके यहाँ पर अपनी एक वर्कशॉप भी है, और कभी भी हो सके ना गाड़ी वाड़ी खराब होती है तो नियरेस्ट टू तलीताल है, तो यहाँ पर आके आप अपनी बाइक भी ठीक करा सकते हो। और दादा क्या कहेंगे आप अपने बारे में बताइए। ये कुछ नहीं कहेंगे, ये थोड़े शर्मीले किस्म के हैं तो ये कुछ नहीं कहना चाहते हैं। दोस्तों मैं निकल चुका हूँ ठाकुर मोटर्स जांच केंद्र है, वहाँ से मैंने अपना पोल्यूशन बनाया और मेरे गाड़ी का जो कागज़ कम हो रहा था वो मैंने पूर्ण कर दिया है, पूरा हो गया है। अब मैं निकलता हूँ आगे की ओर और आपको आगे का नज़ारा दिखाऊंगा आज कि कैसा है। मौसम कुछ देर आगे निकला था तो आज मौसम देख के मेरा मन नजर हो गया है, इसको देखिए कैसा नहीं जा चुकी है, देखो कितना सेक्सी मौसम हो रहा है भाई आज, और रोडों में जो जगह पड़े हैं ना मेरे भाई तो हर माँ बाप इन्होंने मुझे परेशान कर रखा है, और जो आज आनंदित वाला व्यू हो रहा है ना भाई, मन को मोह लेने वाला, यानी कि प्रभावशाली एक्साइटमेंट से भरा हुआ, तो भाई इसका देखने का नजरिया लग रहा है, अगर हो सके तो तुम भी देखो कितना प्यारा लग रहा है। दोस्तों भवानी तो पहुंच चुका हूं, सीधे निकलता हूं भीमताल की ओर। दोस्तों भवानी मार्केट हमने क्रॉस कर दिया और पहुंचे अभी नैनी बैंड के पास जो तिरछा गेट के पास जाता है। तो दोस्तों लगभग यहाँ से जो खुटानी है वो 4 से 5 किलोमीटर के पास रही है, और सीधे मिलते हैं आपको अब अपने भाई के घर पे। यार खेल मत आते थे भरवा लूँगा, कोई जरूरत नहीं जाना मेरे को, मगर हाँ आपसे मैं भरवा लिया जाएगा। दोस्तों उस टाइम मैंने पॉलिस लगा मैंने नीचे से पुलिस की गाड़ी थी और वो मेरे से ले रही थी पास, भाई अच्छा उन्हें चला नहीं काटा, बच गया मैं टाइम पर। और अब मैं पहुँच गया लगभग लगभग कन के आसपास पेट्रोल पंप के आसपास, और यहाँ से उसका घर दिखाता हूँ आपको, भाई का जो घर है यहाँ पर सब दिखाई देता है। तो दोस्तों हम पहुँच गए पेट्रोल पंप के पास, जो मैं कह रहा था ना, और इसके जस्ट सामने मचान, और मचान के सामने ऊपर जो बड़ी सी बिल्डिंग, ये है भाई का घर, तो मेरे को जाना है यहाँ पर उससे मिलना है, और मिलने के बाद वो आज प्लान बनाने वाला, पता नहीं कहाँ को जाता है, देखते हैं प्लान बनाने के बाद हम दोनों के तो आज काफ़ी और जाते हैं, क्या पता ना आप ले चले। दोस्तों ये है वो चौराहा कुरान की चौराहा, हम ऊपर को जाना जल सकता है, हम गुरी को नहीं गए थे वही वाला रास्ता है, और फिर तो यहाँ से ऊपर की ओर बढ़ना है, और मैं बढ़ गया हूँ यहाँ से ऊपर की ओर और सीधे मिलता हूँ उसके घर पर, यहाँ से 2 मिनट का रास्ता ही है। फाइनली दोस्तों के घर के पास पहुँच गया, और ये है दोस्तों का मेरे घर, और यहाँ से जो भीमताल लेक दिखे ना बिल्कुल साफ दिखता है यार, मज़ा आ गया इस एरिया पे। देखो तो मैं भीमताल लेक दिखाता हूँ जो इस पहाड़ी के पीछे है, जो बिल्कुल साफ दिखता है उधर साइड से, जाता हूँ अंदर की ओर, है कहाँ पता नहीं है, इसे बुलाता हूँ और आज मैं जाऊँगा इसकी बुलेट में भाई, मेरे को इसकी बुलेट में जाना है। यह है इसकी गाड़ी और यह है इसकी बुलेट, और आज हम इसकी बुलेट में जाएंगे, कैसे चमकाइए भाई, आज तो मैं चलाऊंगा इसको। दोस्तों ये पीछे की साइड खड़ा है, देखो यार आगे से मैं देखना चाहता हूँ, और ये पीछे क्या करना चाहता हूँ भाई, ऐसा नहीं होता ये, अच्छा घर घर खेलेंगे, तो अब हम जा रहे हैं इसके पुराने कमरे में, तो अब जाते हैं एकदम भाई की ओर। जैनी अब तो चुप हो गया भाई, तू बहुत मांग रहा था उस टाइम से है, तो भैया इसके टॉप वाले फ्लोर में जाते हैं और वहाँ से तुम्हें दिखाते हैं भीमताल लेक्स। दोस्तों ये है इसका कमरा, इसने तो बहुत ही तगड़ो बना रखा यार, बाय गॉड मजा आ गया भाई, एक तरफा भाई यहाँ से आउटिंग देखो भैया, इसके कमरे से जो नजारे ना भीमताल लेक तो ना दिखे मगर भीमताल पूरा दिख गए। ये है सामने विकास भवन, यहाँ सारी संस्थान पूरी की पूरी दिखाई देती है, जो लोकल ब्लॉक्स में आती है ना ये पूरी संस्थान यहाँ दिखाई देती क्या है, यहाँ से कार्य होते हैं सारे के सारे जो सरकारी काम होते हैं, और देखो यहाँ से पूरा का पूरा एरिया देख सकते हो, और हमारे देख सकते हो भाई को स्मार्ट बंदा है जो यहाँ का भवाली का एक लौता आने जाने की मूड में, आज बताइए ताल से फिर नकुचा ताल घूमेंगे। अच्छा नकुचा ताल चल रहे भाई, स्पेशली जगह है बहुत प्यारी जगह है, आज इसके साथ नकुचा ताल होएंगे, और ये ले जाएगा मुझे अपनी बाइक पर, मेरी बाइक पहुँचा इसने कोई नहीं, बिल्कुल। और भाई ये गाना गाता बड़ा तगड़ा, मैं इसका गिटार ले चलेंगे, मतलब इसका सिंगिंग नहीं सुनाएंगे, गिटार बाद में पक्का, चलो फिर नेक्स्ट ब्लॉग में हो सकता है। भाई ने निकाल दिया अपनी बुलेट, अब हम बोलेंगे बुलेट राजा के साथ जाने वाले आज, तो ये और धड़धड़ा भी है, और तब हम सीधे निकलते हो सामने की ओर, देख रहे हो
भीमताल क्षेत्र तो वहाँ को निकलते हैं। आज इसके साथ मिला जो प्लान बनाया गया है ना उसमें हम सक्सेसफुल करते रहेंगे। आज तुम्हें ले चलते हैं नपुचा ताल। नपुचा ताल की वादियों में तुम्हें दिखाएंगे कि वहाँ के नौ कौन कैसे दिखाई देते हैं। एक साथ तो नहीं दिखाएंगे, अलग अलग करके दिखाएंगे क्योंकि कहानी अलग अलग प्रकार की है ना। वो कहानी मैं तुम्हें वहीं जाके बताऊंगा कि कौन कौन सी कहानी है। तो दोस्तों पिछले बार तो मैं तुम्हें ब्लॉग में दिखा नहीं पाया था भीमताल मार्केट, अब हम कर चुके हैं भीमताल मार्केट के अंदर प्रवेश। और ये यहाँ की खूबसूरती के नज़ारे देखो, कितनी खूबसूरत मार्केट है। और देखो यार परसों रोड बनाई गई है ना, कितनी प्यारी बनाई गई है। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो ये नियरेस्ट टू ये लेक से नज़दीक है, आप कुछ भी खरीद सकते हो। और हाँ अभी कभी ज़रूरत पड़े तो हमारे भाई की एक दुकान यहाँ पर भी है, तो इस दुकान के आसपास से आप जनरल स्टोर से सामान खरीद सकते हो इधर से। ये एक और मार्केट है, ये जाता है बाईपास के ऊपर और हमें जाना है सीधे। तो दोस्तों अब हम पहुँच गए फिर से भीमताल लेक के पास, और यहाँ से ये रास्ता जाता है नखुचा ताल की ओर को। हमें बाई हल्द्वानी वाले रास्ते में नहीं जाना है जो जल साइड से जाता है, हमें जाना है सीधे। और आज हम यहाँ से कुछ खूबसूरती नज़ारों के आनंद लेते हुए जाएंगे। पैराग्लाइडिंग तो बाद में करेंगे भैया, जब करवाएगा तो फ्री में। तो दोस्तों अब ये रास्ता मिलेगा सीधे नखुचा ताल वाली रोड में। जो पिछले बार दिखाया था मैंने ब्लॉग में वो था इनकमिंग वाला, अब हमें आउटगोइंग वाले में जाना है। जैसे फॉर्मिंग होता है इनकमिंग आउटगोइंग, वैसे वाला रास्ता ये सेम टू सेम। तो लगभग हम नखुचा ताल के उस रोड पर पहुंच चुके हैं जो हमारे नियरेस्ट से कटता है। जो पहला रास्ता है ना वो तो पिछले बार ब्लॉग में तुम्हें दिखाई नहीं पाया था, अब देखना वो ब्लॉग में दिखाएंगे आपको तुमको अभी। तो ये रास्ता कटता है यहाँ से, ये टोलनाका आ गया, टोलनाके के बाद है वो रास्ता। दोस्तों ये टोलनाका यहाँ का, और यहाँ पर 20 रुपये पर्ची है कोलकाता। और ये जो रास्ता दिखाया ना KVM का रास्ता, कुमाऊं मंडल विकास निगम का बोर्ड लगा यहाँ पर, तो ये रास्ता कटता है नखुचा ताल की ओर। और ये बोर्ड देख सकते हैं यार, और यहाँ से करीब 5 किलोमीटर नखुचा ताल है और हम सीधे पड़ते हैं नखुचा ताल की रोड की ओर। हमें पांडे गाँव भी जाना, वहाँ से पैराग्लाइडिंग होती है। लास्ट टाइम अगले बार हम अगर पैराग्लाइडिंग करेंगे तो तुम्हें जरूर दिखाएंगे कि उसके रेट कितने हैं वो भी बता देंगे। तो देख सकते हो यहाँ पर अभी पैराग्लाइडिंग में एक बंदा उड़ रहा है, पंछी बनू उड़ता है मस्त गगन में हो रहा है उसके साथ। और ये गगन से अभी पाताल में भी आएगा, पाताल लोग भी नज़दीकी है यहाँ से। तो ये जो रास्ता है ना इससे थोड़ा आगे जाके पैराग्लाइडिंग का स्टॉप है, वहाँ से पैराग्लाइडिंग कर सकते हो पर बंदा आई डोंट नो व्हाट रेंज कितनी सबसे भैया तुम बता सकते हो। 2000 रुपये पर बंदा है। तो ऑन सीजन 2000 और ऑफ सीजन थोड़ा कम रहता है, शायद उतना ही रहता है पता नहीं, मगर हाँ इसके मजे भी आप यहाँ से ले सकते हो। तो अब हम उस एरिया पर पहुँच चुके हैं जहाँ से दो रास्ते कटे हुए हैं, एक जाता है पांडे गांव को और एक जाता है नखुचा ताल को। आपको नखुचा ताल के वो जाना है तो नीचे वाला रोड है और इसके जस्ट बगल पर आपको दिख रहे नाउ डू यू बाटी रेस्टोरेंट है, इसको भी आप इंजॉय कर सकते हैं, यहाँ खाना खा सकते हो। और इसके ऊपर वाले रोड में अगर आप जाते हो तो यहाँ से आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हो। ये रोड जो ऊपर गया है पांडे गांव वाला, यहाँ से आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हो। और इसका उतरने का स्टॉप ये है, आप देख सकते हो यहाँ पर लैंड कराते हैं पैराग्लाइडिंग। तो दोस्तों मेरे भाई ने मुझे बताया है कि इस मोड़ को पार करने के बाद ना तुम्हें एक भव्य चीज़ दिखने को मिलेगी जो कि प्राचीन है, बहुत ज़्यादा प्राचीन है। तो आपको दिखाते हैं वो प्राचीन चीज़, ये सामने आप देख सकते हो भक्ति धाम ट्रस्ट इंडिया, ये है भगवान हनुमान जी का मंदिर। और आज मंगलवार भी है तो आप जय श्री राम। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भगवान की अभी आरती चल रही है, और ये देखो दुर्गा माँ की तस्वीर जो मूर्ति है यहाँ पर। और ये सबसे बड़े हनुमान जी की जो मूर्ति है सबसे बड़ी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जय श्री राम। तो ये है धाम जो आप यहाँ आके प्रवेश कर सकते हैं, और यहाँ एक गोपाला धाम भी है, तुम आराम से इसके अंदर प्रवेश करके मंदिर के दर्शन कर सकते हो यार भाई लोगों। फाइनली दोस्तों जी जगह की मैं बात कर रहा था वहाँ मैं पहुँच चुका हूँ, और अब मैं नियरेस्ट टू कमल ताल जो यहाँ पर से पड़ता है सामने। देखो ये है कमल ताल का एरिया, और यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमल जो लोटस होते हैं ना उसके पौधे पाए जाते हैं यार, पौधे क्या पाते हैं कमल ही पाए जाते हैं। देखो कितने सारे, और यहाँ पर हरियाली हो चुकी है, और ये कमल तो आपको देख रहे हैं ना ये डिफरेंट टाइप्स है यार, अलग अलग प्रजाति पाई जाती है। कौन से रेड ब्लू, ब्लू तो कहाँ यार, ब्लू तो बेकार चीज़ है, मगर हाँ जो कहते हैं ना रोज़ पिंक वो भी है यार। देखो कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पर कमल ताल। अब ये पूरा सूख गया क्या, पानी है, पानी है दलदल में। अच्छा पूरा दलदल में होता ना, तो ये पूरा का पूरा है लोटस ताल यानी कि कमल ताल। और इसी के जस्ट आगे आप जाओगे ना इस रास्ते से तो वो पड़ेगा आपका नखुचा ताल। फिर ना यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट भी आपको नियरेस्ट में मिल जाएंगे, और यहाँ पर बोटिंग भी और एडवेंचर भी कर सकते हो आप, जो लेक साइड में एडवेंचर होते हैं ना वो भी कर सकते हो। ये भाई आपको उस बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देगा। बताइए भाई साहब आप क्या कहना चाहेंगे। कभी भी आएँ भीमताल तो नखुचा ताल अगर आपको आना है, कुछ भी एडवेंचर तो अगर कुछ करना है आपको तो आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पार्क भी है, अगर आप बच्चे हैं बच्चे आपके पार्क में जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके साथ बड़े बच्चे हैं जो टेंथ से ऊपर के हों, ज़्यादा बड़े भी नहीं, 3000 तक आगे जाकर एक नखुचा ताल पड़ता है, तो वहाँ पर भी आप अदर अदर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे जिप लाइनिंग है कि और क्या कहते हैं और चीज भी है, बॉल्स भी है, वाटर बॉल्स है उसमें आप जा कर सकते हैं, वो भी अच्छा है। तो और सकते हो भाई वाटर बॉल्स के अंदर, तुम देखना भी तुम्हें दिखाऊंगा अगर वाटर बॉल्स है। और मेरे जस्ट पीछे आप देख सकते हो पार्क, ये पार्क में आप बैठ के शांतिपूर्वक मेडिटेशन, खाना पीना या बच्चों के साथ खेलना कूदना भी कर सकते हो भैया, और जब तक का मन करे तब तक कर सकते हो। देखो कमल ताल का बोर्ड लगा यहाँ पर, और यहाँ पर नियरेस्ट पार्किंग भी आप देख सकते हैं,
यहाँ पर आप अपनी बाइक भी खड़ी कर सकते हो। इसके कोई रेंट नहीं है भाई, इसका कोई पार्किंग का चार्जेस नहीं पड़ता, तो आप आराम से यहाँ पर अपनी बाइक पार्क कर सकते हो। इसके नियरेस्ट आपको दिस टाइप ऑफ कैफे देखने को मिल सकते हैं और यहाँ आगे आप खा भी सकते हो। अगर आप इसके मेरे कहते हैं इसके रेट भी आपको मैं मेंशन कर दूंगा कि कितने कितने रुपए के पड़ते हैं, इनकी प्राइस कितना है, कॉस्टली कितना है। तो बाइक पार्क कर ली है, अब हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं और सीधे जाते हैं नकुचा ताल की ओर। ये मुझे ले जा रहा है एक ब्रिज पे, जो यहाँ से रास्ता जाता है ये है ब्रिज, जिसमें डिवाइडेशन है दो चीज़ की, और जो डिवाइडेशन है वो आपको मैं बता सकता हूँ किस चीज़ की है। ये जो सामने देख रहे हो आप, ये तो रिसॉर्ट है, इसके जस्ट बगल में आपको कमल ताल देखने को मिल जाएगा, और यहाँ से आप हल्का सा मूव करोगे ना तो ये नकुचा ताल देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जो है शिकारा बोट है जो पाई जाती है कश्मीर में, और उसके जस्ट बाद पाई जाती है नकुचा ताल में। और जो आपको मैं वाटर बलून की बात कर रहा था, वो सामने वाटर बलून लगे हैं, इसके भी चार्जेस 200 के आसपास अराउंड होंगे। 1000 है पता नहीं मेरे को, मगर हाँ 200 का राउंड मैंने पहली बार जब पहले आया था तब देखा था, अब यहाँ 1000 कर दिए गए हैं। तो नकुचा ताल आओगे तो यहाँ आप कायाकिंग भी कर सकते हो, वो देखो सामने भैया लोग कायाकिंग भी कर रहे हैं, और इसके जस्ट बगल में आप कायाकिंग के लिए आपको यहाँ से बोट इजीली अवेलेबल हो जाएगी, और इसके चार्जेस 300 रुपये या 400 रुपये का राउंड है। मेरे पीछे जो रिसोर्ट देख लो ना, वो TRC वालों का है, KBM वालों का है, तो इजीली आप कुमामंडल की साइड में जाके इसको भी बुक करा सकते हो, और यहाँ ताल के जस्ट बगल पर आप लेक का नज़ारा ले सकते हो। यार देखो मेरा भाई कितना खुश है, और देखो इसकी दाढ़ी देखो यार, अलग ही चार महीस भाई का। तो नकुचा ताल की कहानी है कि यहाँ पर नीलकंठ राम के भाई रहते थे, जो नौ भाई थे, और उन्होंने यहाँ पर आके तपस्या करी थी, और उनको पीसफुल की जगह इतनी पसंद थी कि उन्होंने नौ कोनों में जाके बैठे थे कि एक जन एक दूसरे को डिस्टर्ब ना कर सके, और डिस्टर्ब ना हो सके, तो उन्होंने इधर मतलब नौ कोनों पकड़े और नौ कोनों में जाके तपस्या करी, और उनकी तपस्या पूर्ण हुई तो उनको धन की वृद्धि इतनी हुई कि उन्होंने इस एरिया का नाम नकुचा ताल रख दिया, क्योंकि इसके अगर नौ कोनों जिसने एक साथ देख लिए तो वो सर्वगुण संपन्न यानी कि पैसों में उसको लाभ हो जाता, बहुत ज़्यादा फायदा। तो एक बार अगर आके देखो और नकुचा ताल में विजिट करके देखो। दोस्तों यहाँ से होती है जिपलाइन स्ट्राइड, और ये जो जिपलाइन है यहाँ से जाती है, ये तारों के रास्ते जा सकते हो, जैसे सुल्तान वाली मूवी में ना पलंगी बाजार में तारों के नीचे से यहाँ तक का पूरा ही जिपलाइन का एरिया है। तो इसके चार्जेस लगभग 400 के आसपास है यहाँ से, और आप आके इजीली यहाँ पर जिपलाइनिंग कर सकते हो, और वहाँ पर तो उसका टिकट कटता है। और इसके नियरेस्ट तुम देख सकते हो रिसॉर्ट कितने प्यारे प्यारे हैं, अगर आप आओगे तो यहाँ रिसॉर्ट बुक करा सकते हो इजीली अवेलेबल, तुम्हें गूगल में इसकी सारी की सारी वेबसाइट मिल सकती है, या कुछ के नियरेस्ट में डाल सकते हो कि कौन कौन से रिसॉर्ट अवेलेबल है। के नियरेस्ट में एक शॉप है, आप यहाँ आके शॉपिंग कर सकते हो, अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ से अच्छी शॉपिंग हो सकती है तो शॉपिंग भी कर सकते हो, यहाँ पर इजीली तुम्हें शॉल ऑल मिल जाएंगे, जो सामने शॉप है ना वहाँ पर आपको इजीली शॉपिंग शॉल मिल जाएंगे, या वुलन कपड़े कह भी सकते हो वो भी मिल जाएंगे। तो यह है एरिया, इस एरिया से आप इजीली शॉपिंग कर सकते हो, और इसमें लिखा है देखो इसका नाम इन सरोवर इन, इसमें से आप शॉपिंग कर सकते हो सरोवर इन से, यहाँ इजीली वेरी कॉस्टली तो है मगर सस्ते में प्राइस में मिल जाएंगे आपको, अगर किसी टोकन से कर सकते हो तो आप शॉपिंग। और इसके आगे रास्ता जाता है, यहाँ भी पूरे के पूरे रिसॉर्ट है, मगर मैं आगे की ओर जाना अभी चाहता नहीं हूँ, मैं कहीं और बैठना चाहता हूँ। दोस्तों मैं कह रहा था आगे की ओर नहीं जाएंगे, मगर हमारा प्लान चेंज हो गया, अब हम जा रहे हैं आगे की ओर, और भाई के साथ भाई कह रहा था तुझे आगे तो ले जाके रहूँगा मैं, और मेरा मन बन गया आगे क्यों जाने का यार, क्योंकि यार कौन मिस करेगा ऐसे प्लेस को, मस्ती कर सकते हो अपने साथ अपने मित्रों को ला के। तो मित्र क्या है, अगर फैमिली के साथ भी आ रहे हो तो फैमिली के साथ भी कर सकते हो, और देखो यार 7 साल का एरिया ना, नहीं नकुचा ताल का एरिया और 7 साल का एरिया बहुत हार से, बट नकुचा ताल बेटर है उस मामले में, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा धूप नहीं आ गया और इधर धूप का अभाव ज़्यादा है। देखो यार लोग कितने प्यार से कर रहे हैं जिपलाइनिंग कायाकिंग और जो भी चीज़ें यहाँ पर एक्टिविटीज़। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं लास्ट ऑफ एंड, जो नकुचा ताल के लास्ट एंड पर पहुँचता है, और इस यहाँ पर देखो बहुत सारी फूड की दुकान है, यहाँ पर आके आप खाना खा सकते हैं, और मगर पता नहीं कॉस्टली है कि नहीं, मेरे को तो पता नहीं, मगर किसी से पूछना पड़ेगा, नॉर्मल है इसको पता होगा, क्योंकि इस भाई ने ना ज़्यादा एक्सपीरियंस ले रखा है इस एरिया का। और इधर भी नियरेस्ट तुम देख सकते हो शिकारा बोट कितने कोने में रखी गई है, ये थोड़ा सा डंप पड़ गई है आधी से ज़्यादा, तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से देखो नज़ारे आ रहा, खूबसूरती के नज़ारे ना देखने को मिलता है हमें। अब हम आगे की ओर जा रही है, मुझे पता नहीं कहाँ ले जाना वाला है, तो ये दुकानों की ओर ले जा रहा है, और इसने खाना भी नहीं खाया, तो थोड़ी देर अब हम कुछ खाते हैं, तो देखते हैं कि व्हाट ही वांट टू ईट, तो देखा जाएगा जो भी खाया जाएगा, हमने भी खाना है, इसने भी खाना है, सभी ने खाना है। तो हमें जाना है इस एरिया में, और आप सब सोचना क्या, देखो किराए सूची देखो कि शिकारा बोट हाफ राउंड 500 भाई, पेंडल 2 सीटर 300 40 मिनट के लिए, और पेंडल 4 सीटर, सारे के सारे लिखे भाई, 4 मेंशन से दिए है, तो अगर बोटिंग करनी है तो इस मेंशन करे हुए रेट में आप ला सकते हैं और कर सकते हैं इजीली। तो हम अंदर की ओर जा रहे हैं, देखते हैं। दोस्तों अब हम जा रहे हैं पगडंडी वाले रास्ते पे, पगडंडी तो नहीं है मगर यहाँ थोड़ा सा कच्चा रास्ता है, इसके आगे जाके ये हमें कुछ दिखाना चाहता है, तुम क्या दिखाना चाहता है ये बता पहले मेरे को। ये सिर्फ ट्रैकिंग वाला रास्ता है, और रास्ता इतना प्यारा है ना, जैसे कि लास्ट टाइम मैं ऊपर गया था ना, तुम्हें पता है कहाँ गया था,
एक तो गया था मैं चाइना वीक, दूसरा गया था टिफिन टॉप, तो वैसा ही ये रास्ता है बोले तो एकदम कच्चा, और कच्चे रास्ते में चलने का यार मजा लगा यार। अगर तुम कभी ट्रैकिंग करना चाहोगे ना तो उस एरिया में आना मेरे साथ, मैं तुम्हें ट्रैकिंग भी करवा दूंगा, और इधर आओगे तो इसके साथ आना, आई विल मेंशन एवरीथिंग अबाउट हिम। ओके, तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस भाई को। तो इसका एक इंस्टा पेज है जिसे हनी आर्यन नाम से, तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो भी कर देना यार भैया, बहुत अच्छी वीडियो बनाता है। ये जाता है लेकिन रिसोर्ट का रास्ता है, इसके अंदर है वेलकम टू लिखा तो है, मगर हम जाएंगे ना द कैंपिंग निक है, अब पढ़ने में भी नहीं आ रहा, ट्री तो लिखा है कैंपोर ट्री, आई डोंट नो भाई, मगर मैं ना जाऊँगा अंदर। यहाँ पर तो मैं शादी ऑर्गेनाइज करा जाती, लास्ट टाइम मैं यहाँ आया था शादी में तो मज़ा आया था भाई, शादी इतनी प्यारी हुई थी ना। और यहाँ से देखो जो बोट वेस्ट जाते हैं, जो वेस्टेड बोट है ना इधर साइड में कोने में फेंक दी जाती है, इसको रिपेयर नहीं करते यार। वो पीछे वाली जो पगडंडी वाली या कच्चा रास्ता था, मतलब मैं बाहर निकला आया, मैं क्या मेरे साथ मेरे भाई भी बाहर निकल आया, और हम जाते हैं यहाँ पर नियरेस्ट टू खाने के लिए, यानी दुकान के अंदर जा रहे खाने के लिए, और देखते हैं अब क्या मिलता है। तो अब हम थोड़ा आलू पराठा के मूड में है, तो देखते हैं क्या करते हैं, थोड़ी ये बार्गेनिंग करने जा रहा है, अब बार्गेनिंग करने के बाद ही पता चलेगा जो भी होगा। दोस्तों अब हम बैठे हैं यहाँ पर खाने के लिए, और हमने मंगाया आलू के पराठे, चाय, और कुछ और तो मंगाया नहीं इसने, तो चाय ये पीता है, चाय का बहुत बड़ा शौकीन है। मैं चाय पीता नहीं हूँ, एक चाय पीता पर डे की एक चाय पीता है, और मैं नहीं पीता, मैं पानी पीता है, और ये चार बोतल पानी पीता है 4 लीटर, तो उसके ऊपर भी पीता होगा वो मुझे नहीं पता, 6 लीटर कहना है आजकल। तो थोड़ी देर अभी यहाँ पर बैठे हैं, थोड़ा सा खाना पीना करने के बाद, इन वादियों के नज़ारे लेने के बाद हम आगे और बढ़ते हैं, और नज़ारे दिखाऊँ वादियों के, वादियाँ भी दिखाऊंगा नज़ारे भी दिखाऊंगा, दोनों दिखाऊंगा। दोस्तों यहाँ से जो नज़ारे देख रहे हैं ना, इस टाइप के देख रहे हैं, देखो कितने प्यारे दिख रहे हैं, वहाँ पर बादल खिलखिलाए हुए हैं, मौसम ख़राब नहीं है, बिल्कुल मस्त हो रहा है, और ये भाई मेरा गाना गा रहा है। दोस्तों फाइनली हमारे आलू पराठा आ चुके हैं, इसके मुँह में पानी आ रहा है और मेरे मुँह में तो भर भर के पानी आ रहा है। चाय कितनी सेक्सी बना लिया है, देखो भाई पराठों का यार कलर कितना प्यारा आ रहा है, मैं तो लपेटूंगा भाई जल्दी से, मुँह में पानी आ गया। ओए भाई अब मैं खाऊँ इसके, देखो हाउ इज़ द टेस्ट, मस्त तो खाते हैं भाई, लिटिल बिट मैं भी चखता हूँ अभी, मेरा तो चिड़िया के बराबर खाना है, इसका पता नहीं कितना ज़्यादा है, मेरे को नहीं पता, चलो देखते हैं खा। दोस्तों हमारा हो गया खाना पूरा, और ये पेमेंट करने लग गया है, 135 रुपीज़ हुए हैं, 3 पराठे के, 1 चाय के, और हमने खा लिया है खाना। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, क्योंकि हमने यहाँ पर करीबन आधा घंटा तो स्पेंड कर लिया अपना, और उस भाई को देखो यार वो पेमेंट करने में मशहूर है, बहुत ज़्यादा मशहूर, मजबूर जो कह सकते हो गया है। तो हमने खुशी था कि वादियाँ देख के ना भाई मज़ा आ गया, और सामने पैराग्लाइडिंग चल रही है और सब चीज़ चल रहा है, उस देख के तो और मन गदगद हो गया, गदगद बहुत ज़्यादा, पेट में भी राहत मिली है खाने के बाद, उसको देख के और ज़्यादा गदगद। तो अब चलते हैं वापस की ओर को। दोस्तों यहाँ के घूमने का बाद हमें इतना अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ ना, इस भाई ने मेरे को बहुत अच्छे से घुमाया यार, मेरा जो भाई है ना इसके साथ घूमने का मज़ा लगे यार। और अब हम बढ़ते हैं घर की ओर को, और अगर आप आओगे नकुचा चौल में आप सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो ईजीली, जो आपको लेक के पास मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं घर की ओर, तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, दिस इज रियल यू 93904, या रियो ब्लॉग यूट्यूब सब्सक्राइब कर सकते हो, आज सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ रही है, और भर भर के कमेंट करना हो, और भैया इंस्टा में भी भाई को फॉलो कर लेना हनी आर्यन नाम से। तो सी यू माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड सी यू अगेन, बाय बाय।